नमस्कार, बस्तर की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रानू। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। सर्च ऑपरेशन से लौटने के बाद उठाया ये कदम। 7 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने बीजापुर पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। दलपत सागर धर्मपुरा मार्ग पर फैलाई गई मिट्टी से लोग हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दंतेश्वरी वार्ड के बच्चे कर रहे पेंटिंग्स। अब खबरें विस्तार से। बस्तर में तैनात सुरक्षा बल के एक और जवान ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामला कांकेर जिले का है, जहां एक बीएसएफ के जवान ने ये खौफनाक कदम उठाया है। कांकेर जिले के पखंजूर में बीएसएफ 157 बटालियन के जवान बीते कल शुक्रवार को सर्चिंग पर निकले थे और सर्चिंग कर आज सुबह शनिवार को लौट रहे थे। इसी दौरान हरियाणा के रहने वाले सुरेश कुमार ने कैंप से 100 मीटर पहले ही अपनी AK-47 से सीने में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बताया गया है कि बीएसएफ 157 बटालियन के प्रधान आरक्षक सुरेश कुमार अपनी टीम के साथ नक्सली अभियान में सर्चिंग कर वापस लौट रहे थे। तभी सुबह 4:30 बजे कैंप के पास ही जवान ने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनते ही साथ चल रहे जवानों में हड़कंप मच गया। घायल अवस्था में जवान को कैंप लाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद जवान के शव को गृहग्राम भेजा जाएगा। लगातार जवानों द्वारा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया जा रहा है, ये एक गंभीर सवाल है। इससे पहले भी कांकेर जिले में आपसी रंजिश के चक्कर में जवान भिड़े थे और 2 जवान शहीद हो गए थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। 7 लाख के इनामी नक्सली पति पत्नी शनिवार को बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़े। इस दौरान उन्हें सरकार के समर्पण नीति के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए भी प्रदान की गई। बस्तर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के तहत नक्सली लगातार लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। बीजापुर में शनिवार को 7 लाख के इनामी पति पत्नी ने आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में प्रवेश किया है। बीजापुर के गंगालूर एरिया कमेटी में कई सालों से नक्सली संगठन में शामिल रहकर बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। आत्मसमर्पण करने आए नक्सली दंपत्ति से नक्सल गतिविधियों की अहम जानकारी निकलकर बीजापुर पुलिस के सामने आ सकती है। समर्पण करने आए नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की समर्पण नीति के तहत दी जाने वाली 10,000 रुपए प्रोत्साहित राशि दी गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बीजापुर जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने हमें बताया, नक्सली स्वेच्छा से जो आके समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, एक अच्छी पहल है। अब उनकी विचारधारा में जो है, लोगों में जो भी काम कर रहे हैं, एक लंबे समय तक कार्य कर रहा है, लगभग 16-17 साल बाद, और उसके बाद जो है स्वेच्छा से अगर आत्मसमर्पण कर रहा है और समाज की मुख्य धारा में जोड़ रहा है, तो निश्चित तौर से जो कहीं ना कहीं जो है नक्सली विचारधारा में कोई ना कोई खामी है, कोई ना कोई कमी है। अरे बहुत अच्छी बात है, बहुत स्वागत योग्य है। पुनर्वास के तहत क्या क्या अभी तो तत्काल जो उनको जो है 10,000 रुपये की जो है सहायता राशि दी गई है, और उसके बाद जो है जो सरकार की जो आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति में जो है जो जो सुविधाएं उनको है वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। इससे पहले भी कई दंपतियों ने आत्मसमर्पण किया है। बस्तर की बात, जगदलपुर। जगदलपुर की रहने वाली कोरोना संक्रमित युवती की शनिवार को देर रात एम्स में उपचार के दौरान मौत हो गई। शहर के रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में रहने वाली युवती कई दिनों से बीमार थी। जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीते सोमवार को एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा था। लेकिन शनिवार को देर रात युवती की तबीयत अचानक बिगड़ गई और रात युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवती को सिकलिंग की बीमारी थी और काफ़ी समय से उसका इलाज चल रहा था। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे एम्स में भर्ती कराया गया था। युवती के परिवार वालों में शोक का माहौल है। युवती के भाई और मां को क्वारंटाइन पर रायपुर में रखा गया है। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने जिला स्तरीय कोर कमेटी की बैठक लेकर क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी श्रमिकों का स्किल मैपिंग कर रोजगार के अवसर देने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, लघु एवं बड़े उद्योग के संचालकों से संपर्क कर उनकी आवश्यक बैठक ली। उन पर आवश्यक कार्रवाई करने भी उन्होंने कहा।
बैठक में उन्होंने कंटेनमेंट जोन और क्वारंटाइन सेंटरों से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य सैंपलिंग का कार्य करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए। बैठक में जिला कौशल विकास प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि जिले के सातों विकास खंड में संचालित क्वारंटाइन सेंटरों में 4,933 श्रमिक वापस आए हैं, जिनका स्किल मैपिंग किया गया है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मोबाइल की चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए CSP हेमसागर सिदार ने बताया कि बीते 23 अप्रैल को कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी मिर्जा गोयल ने उनके घर से अज्ञात चोर द्वारा एक गिटार और चार्जर समेत एक मोबाइल चोरी कर लेने की शिकायत की थी। इनके पास कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार एक टीम गठित की। टीम के द्वारा संदिग्ध से पूछताछ करने के बाद संदिग्ध आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी के पास से 6 मोबाइल, एक गिटार के साथ 3,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी बाकी खबरें। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। संजय गांधी वार्ड के रेलवे कॉलोनी के कर्मचारी अधिकारी के निर्देश पर पुराने और काफी जर्जर हो चुके मकान में रहने वालों को हटाने के लिए मकान की खिड़कियों और दरवाजे निकाले जाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस कार्रवाई का वार्ड की पार्षद और स्थानीय लोगों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद मामला बोधघाट थाने तक पहुंचा। नगर निगम क्षेत्र के संजय गांधी वार्ड अंतर्गत रेलवे कॉलोनी में शनिवार की सुबह रेलवे विभाग के कर्मचारी द्वारा कालातीत भवनों से दरवाजा और खिड़की हटाए जाने की कार्यवाही की गई, जिसका कालातीत मकान में रह रहे लोगों ने विरोध किया। वार्ड के पार्षद कोमल सेना भी मकानों से खिड़की और दरवाजा निकाल रहे रेलवे कर्मचारी को खिड़की और दरवाजा निकालने के लिए मना किया, लेकिन कर्मचारी ने उनके भी अनुरोध को ठुकरा दिया। इस संबंध में पार्षद ने बताया, मेरा जो संजय गांधी वार्ड है आधा फॉरेस्ट की ज़मीन पे और आधा रेलवे की ज़मीन पे स्थित है। जो रेलवे की ज़मीन पे ये झुग्गी झोपड़ी बना के लोग रह रहे हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है, पर क्या है कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी समस्याओं को नहीं समझ के आके तत्काल तोड़ने फोड़ने लगे। अभी क्या है, ये कोरोना का इतना बड़ा महामारी चल रहा है, इस समय में लोगों को खाने को दिक्कत हो रही है, इनको रहने की अभी कितनी समस्या होगी, जो आए और बिल्कुल बिना बोले कुछ समझे नहीं सोचे नहीं और इनके घरों को जो ऐसा तोड़ दिए, ऐसे में इन लोग कहाँ जाएंगे अपने हैं, जो कि डैमेज क्वार्टर में इन लोग रह रहे थे, ना नल है ना लाइट है, तो भी उन लोग अपने इस बीमारी की वजह से कहीं पर जाके रहने की सुविधा नहीं, बल्कि यहाँ रह रहे हैं। हमारे बोलने पे ईएन जो यहाँ के हैं वो माने और इन लोगों को रहने की अनुमति दे के चलो कोई बात नहीं है चलने दो वाला था। यहाँ के जो IW है बिल्कुल सोचे नहीं समझे नहीं और आए और तोड़ना चालू कर दिए। आज जो इनकी स्थिति है, इस स्थिति में उन लोग कहाँ जाएंगे, वैसे में किसकी जिम्मेदारी है आप बताइए, क्या अभी रेलवे वाले आके इनकी जो इनका क्षतिपूर्ति के उन लोगों को कर पाएंगे क्या? मैं हमारे जो शासन है मैं उनसे ये निवेदन करती हूँ कि इन गरीबों की कहीं ना कहीं इनकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करें,
किनको सहूलियत हो पाए। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे गत कई वर्षों से कुछ लोग रह रहे हैं, तकरीबन 20-25 साल के अंतर्गत। हाँ, यहाँ पे 20-25 नहीं, लगभग 70-80 सालों से यहाँ लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, और अचानक से इन लोगों को बोल दिया जाएगा कि आप खाली करो, ये रेलवे की ज़मीन है, तो वो कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे? बिना सूचना। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इनकी बात रखने का मेरे को अधिकार है, सो मैं इसी के लिए अपना बात रख रही हूँ आप लोगों के सामने। इस दौरान क्रोधित भीड़ ने कर्मचारी के साथ मारपीट की। इसके बाद कर्मचारी अपने रेलवे विभाग के अधिकारी के साथ मारपीट करने वालों के विरोध में रिपोर्ट दर्ज करवाने बोधघाट थाना पहुंचा। इस बीच उस क्षेत्र में रहने वाले लोग भी बोधघाट थाना पहुंचे और कोरोना महामारी के साथ ही बारिश पहुंचने के दिनों में इस तरह से मकान से हटाए जाने से अपनी परेशानी बताते हुए कहा, हमें अभी दो दो बच्चे हैं, इतने छोटे छोटे, अभी तोड़ दिए, एक तरफ से अभी बरसात है, अब इनको लेके कहाँ पे जाएंगे? कहीं भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, चलना मुश्किल हो गया है, रोज कमाते रोज खाते हैं, हाँ इस समय ऐसे तोड़ दिया, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, कहाँ पे रहेंगे दो दो बच्चे को लेके? बड़े रहते भी तो चले जाते, हाँ इतना छोटे छोटे जाने और आके अचानक बात भी नहीं मान रहे और तोड़ रहे हैं, हाँ एक बात भी नहीं मान रहे हैं। एक तरफ से बच्चे को तबीयत खराब है, बुखार है, एक हफ्ता हो गया तो पर भी नहीं मान रहे, सुन रहे भी नहीं है। हम लोग इतना साल से रह रहे हैं, कुली बूती करके खा रहे हैं, ये अचानक आए और घर दरवाजा सब तोड़ दिए, बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी कोरोना बीमारी हुआ है तो बाहर नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, हम ये हालत में कहाँ जाएंगे, घर तोड़ के निकाल दे रहे हैं, तो इतना मना किए, दरवाजे में खड़े भी हो गए लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं हुए, डराए डांटे और दरवाजा लोग को तोड़ दिए, घर का दरवाजा सब तोड़ दिए, ये हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, मारपीट तो कुछ नहीं किए लेकिन गाली दिए, नहीं तोड़ो बोल के हम लोग दरवाजे दरवाजे में खड़े हो गए लेकिन हटा दिए और तोड़ दिए पूरा। तकरीबन कितने लोग? 10 जन जैसे आए थे, हाँ। तो अभी ये सबको तोड़ेंगे बोल दिए, खाली खिड़की दरवाजा तोड़ दिए है, माने कि ये सरकारी क्वार्टर है, जब जरूरत पड़े तब तोड़ते तो चलता, लेकिन खाली खिड़की दरवाजा तोड़ के लोग को निकाल देंगे तो क्या फायदा, उसमें चोर गुंडा मोदारी कुछ कोई भी बदमाश आके रहेंगे, अभी लोग रहते हैं बोल के वही जगह ठीक है सुरक्षित है, जब सरकार को जरूरत पड़ेगा जगह के लिए तब हटाते, लेकिन अभी लॉकडाउन का चल रहा है और एक टाइम में हटा दिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, खुद का पेट पालने का मुश्किल हो गया है, ये हालत में हम लोग कहाँ जाएंगे? इन कालातीत घरों में रहने वाले लोगों को बार बार नोटिस दिए जाने और मकानों से बिजली पानी कनेक्शन काटे जाने के बाद भी मकान खाली नहीं करने की बात रेलवे विभाग के कर्मचारियों द्वारा कही जा रही है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि बिना किसी सूचना के उनके मकानों को तोड़ने का कार्य किया गया। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिद्धार्थ ने बताया, मामला बेसिकली बोधघाट क्षेत्र अंतर्गत रेलवे कॉलोनी के है, जहाँ रेलवे के कुछ स्टाफ जो है एमंडन क्वार्टर जिनमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा कब्जा किया गया है और इन्हें बेदखली करने के लिए जो है रेलवे की टीम गई हुई थी, उनके साथ संबंधित लोगों के द्वारा जो है मारपीट किया गया है। प्रथम दृष्टया शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले पर जो है जो आहत हैं उनको मेडिकल मुलाहजा के लिए जो है अस्पताल रवाना किया गया है, अभी रिपोर्ट जो है प्राप्त है और अभी इस मामले को जांच पर रखा गया है और जांच पश्चात जो है पृथक से जो है वैधानिक कार्यवाहियां जो पाई जाएंगी संबंधित धाराओं पर कार्यवाही की जाएगी। मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका है और बोधघाट पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्तर की बात, जगदलपुर। इन दिनों दलपत सागर से होकर धर्मपुरा पहुंच सड़क पर मिट्टी के गिरने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हल्की सी बारिश होने पर सड़क पर फिसलन के चलते दोपहिया वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा बना हुआ है। इस सड़क के बार बार अवरुद्ध होने से लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। अग्रसेन चौक से लेकर धर्मपुरा तक का मार्ग शहर के सबसे व्यस्ततम मार्गों में से एक मार्ग है। सुबह हो या शाम, इस मार्ग में दिन में कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। धर्मपुरा जाने वाले मार्ग के अलावा एक अन्य मार्ग है जो दलपत सागर के किनारे से होकर गुजरता है। ये मार्ग सकरा है।
जिसमें केवल छोटे वाहन ही गुजर सकते हैं। दलपत सागर और धर्मपुरा के हनुमान मंदिर चौक के करीब कृषि भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने हेतु भूस्वामी के द्वारा मिट्टी डाली गई है जो सड़क पर पड़ी हुई है। ऐसे में बारिश के चलते मिट्टी के कीचड़ में तब्दील होकर दुर्घटना होने की गुंजाइश बनी हुई है। बार बार मार्ग अवरुद्ध होने पर धर्मपुरा निवासी ने अपनी बात यूं कही। ये जो दलपत सागर की जो रोड है, जो सड़क शहर को जोड़ती है, और दूसरी रोड जो धर्मपुरा एक नंबर कॉलेज चित्रकूट रोड है, ये शहर को जोड़ती है। और वर्तमान में जो सबसे घनी आबादी और सबसे अधिक आबादी, जहाँ पे जिनके पास कार हैं, गाड़ियाँ हैं, वो धर्मपुरा 1, 2, 3 में रहती है। इसके अलावा चित्रकूट और उस तरफ के गांव से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो सब भी इसी रोड से आती हैं। दलपत सागर की रोड छोटे वाहनों के आने जाने का एक बहुत उपयुक्त साधन बन जाता है, रास्ता बन जाता है, जिससे कि जो ट्रैफिक का दबाव है वो चित्रकूट रोड में नहीं पड़ता है। परंतु साल में इस रोड को बार बार बंद किया जाता है, इसके साथ बार बार खिलवाड़ किया जाता है। परिणाम स्वरूप ये स्थिति हो जाती है कि चित्रकूट रोड में बड़ी गाड़ियों और छोटी गाड़ियों का प्रेशर बढ़ जाता है और संभावित हो जाती है दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है कि इस बार ये जो मिट्टी डाली गई है और मिट्टी को जिस तरह डाल दिया गया, बिल्कुल अभी 5 जून, 10 जून, 15 जून तक मानसून ब्रेक हो जाएगा और जहाँ ये पानी गिरना शुरू होगा इसमें साइकिल चलाना भी मुश्किल हो जाएगा इस रोड में। और ये क्यों किया गया, किस लिए किया गया, इसके पीछे कोई नैतिक, मतलब कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है कि क्यों पब्लिक को इस तरह परेशान किया जा रहा है। गौरतलब है कि भूमि केवल कृषि उपयोग हेतु दी गई है, किसी अन्य प्रयोजन हेतु इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा भूस्वामी को मिट्टी हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि किसी दुर्घटना होने के पूर्व ही भूस्वामी के द्वारा मिट्टी हटा ली जाएगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। शनिवार को संजय बाजार के हनुमान मंदिर चौक के पास से चौड़ी नाली के ऊपर रखे गए खोमचे हटाए गए। इसके बाद चौड़ी नाली में पटे कचरे को जेसीबी मशीन के द्वारा निकाला गया। कई जगहों पर नाली के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जिसे जेसीबी मशीन के माध्यम से हटाया गया। सफाई कार्य के चलते संजय बाजार के इस क्षेत्र में बैठने वाले सब्जी व्यवसायियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के दंतेश्वरी वार्ड के बच्चों द्वारा कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। वार्ड के एक पुराने भवन में रंगाई पुताई कर कोरोना वॉरियर्स के चित्र बनाकर लोगों तक इनके सम्मान करने का संदेश ये बच्चे पहुंचा रहे हैं। कर्तव्य पथ पर डटे हुए कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने में बच्चे भी पीछे नहीं हैं। शहर के दंतेश्वरी वार्ड के बच्चे भी इस कार्य को करते हुए गौरव का अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोरोना महामारी से बचाव के लिए डॉक्टर, नर्स, पुलिस और सफाई कर्मचारी दिन रात जुटे हुए हैं। कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए दंतेश्वरी वार्ड के इन बच्चों ने एक अनोखा प्रयास किया है। इस क्षेत्र के आईटीआई के पुराने भवन की दीवार को सफ़ेद रंग से रंगकर दीवार पर कोरोना वॉरियर्स के चित्र बनाकर लोगों को इन सभी का सम्मान करने का संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं ये बच्चे। इस संबंध में पेंटिंग कर रहे एक बालक ने हमें बताया। मैं पढ़ाई करता हूँ, बट अभी ये पेंटिंग अपन कर रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को सम्मान करने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए कि वो अपने लिए इतना कुछ कर रहे हैं अभी इस मुश्किल घड़ी में, कोरोना वायरस के टाइम पे। ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बट ये छोटा सा बस उनको एक ट्रिब्यूट है अपनी तरफ से। सब सम्मान करें, उनके बारे में थोड़ा सोचें कि वो अपने लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अभी हाल ही में कितने डॉक्टर भी इसके शिकार हो चुके हैं उनको ट्रीटमेंट के बीच, तो थोड़ा उनके लिए, उनके बारे में सोचे लोग बाग। सफाई कर्मचारी है अपने, वो डेली आते हैं, कचरा उठाते हैं, फिर वो घर जाते हैं, उन्हें भी अपने परिवार की फिक्र है, तो थोड़ा उनके लिए सोचें अपन। इस कार्य के लिए बच्चों को प्रेरित करने वाले ब्रिजेश शर्मा ने कहा, ये जो हम लोगों का प्रयास चल रहा है कोरोना वॉरियर्स के सम्मान के लिए, खासकर बच्चे लोगों को द्वारा जो किया जा रहा है पेंटिंग वर्क का, ये पूरे जगदलपुर में एक इकलौता है जो बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। क्या हमारे लिए वो इतने समय से ड्यूटी कर रहे हैं, करीब 3 महीने हो गए, 3 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग के लिए जब इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फ़र्ज बनता है कि हम उनके लिए, उनके सम्मान के लिए कुछ करें। बाकी हमारा प्रयास है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन दिनों बच्चे
ऑनलाइन पढ़ा इन दिनों बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कुछ सार्थक कार्य भी कर रहे हैं। छुट्टी का पूरा लाभ लेते हुए बच्चे इस तरह का कार्य कर अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते फिर एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीएसएफ जवान ने खुद को मारी गोली, मौके पर मौत। सर्च ऑपरेशन से लौटने के बाद उठाया ये कदम। 7 लाख के इनामी नक्सली दंपति ने बीजापुर पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। दलपत सागर धर्मपुरा मार्ग पर फैलाई गई मिट्टी से लोग हो रहे दुर्घटनाग्रस्त। और कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में दंतेश्वरी वार्ड के बच्चे कर रहे पेंटिंग्स। बस्तर की बात में आज बस यहीं तक। कल हम आपसे फिर रूबरू होंगे अंचल की नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।